हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम सिलेबस डिकोडिंग सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कल मैंने सिलेबस डिकोडिंग सीरीज का पहला पार्ट करवाया था, उसका लिंक मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा। आपको पसंद हो तो आप जाके देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज अपन सिलेबस डिकोडिंग सीरीज में देखेंगे पेपर 3, MPPSC का पेपर 3 देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट पेपर कहलाता है, बच्चों के नंबर इसमें कम आते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से सिलेबस डिकोड कराने की कोशिश करूंगा। और आपको इस सीरीज से, इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने आपके लिए सिलेबस को बहुत आसानी से डिकोड किया है। आपको जैसे पता होगा कि जो अपना सिलेबस है, अपना जो पेपर है, उसमें दो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स की आपने पेपर 3 से रिलेटेड बता रहा हूँ। आपने प्रीलिम्स में देखा होगा यूनिट जो 7 है और यूनिट जो 9 है ना दोस्तों। और मेंस में आपका पेपर 3 में कितनी यूनिट है, तो मेंस में आपकी है 10 यूनिट। कितनी यूनिट है? 10। अब आप ये नोटिस करेंगे कि जो शुरू की 3 यूनिट है वो विज्ञान से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। क्या आता है शुरू की 3 यूनिट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी अपन एक एक को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर है वो क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी। आपसे एक शब्द में पूछे विज्ञान क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। विज्ञान एक तरीके का सैद्धांतिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। और उसी को जब अपन अप्लाई कर देते हैं या उसके सिद्धांत की मदद से कोई चीज बना देते हैं, तो उसका पक्ष व्यवहारिक पक्ष कहला जाता है तकनीक। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। आपको मालूम है कि भारत में क्या है, बहुत सारी क्या है, जनजातियां हैं, है ना। इन जनजाति के पास आप गए और आपने इनको औषधि बनाने का ज्ञान होता है, दवाई। तो आपने इनसे औषधि बनाने का ज्ञान अर्जित किया, है ना। कैसे दवाई बनाई जाती, स्टेप बाय स्टेप आपने इनसे सीखा, स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी व्यवस्थित तरीके से किसी चीज के ज्ञान को अर्जित करने को कहलाते हैं विज्ञान। अब आपने इससे औषधि बनाने का जो ज्ञान अर्जित कर लिया, वो तो विज्ञान हो गया। और जब आपने औषधि बना दी, एक दवा बना दी, तो वो हो जाएगा तकनीक। क्यों? क्योंकि तकनीक क्या करती है, मानव के संवर्धन का कार्य करती है। कई लोग इसको गलत तरीके से भी यूज करते हैं, लेकिन आपने जैसे उनसे औषधि बनाने का जो ज्ञान अर्जित किया, वो हो गया विज्ञान। और उस ज्ञान से आपने औषधि बना दी, वो कहला जाता है तकनीक। तो विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है और तकनीक व्यवहारिक पक्ष है। जैसे अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है और उस सिद्धांत को जब अप्लाई किया जाता है तो अर्थव्यवस्था बनती है, उसी तरीके से विज्ञान और तकनीक में भी संबंध होता है। इसको मैं आगे और विस्तार से आपको लेक्चर्स में बताऊंगा। अब अपन अपने सिलेबस को देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया प्रीलिम्स में यूनिट 7 और यूनिट 9 और मेंस में 10 यूनिट है। अभी मैंने शुरू की 3 यूनिट डिकोड कर दी, किसमें आ गई? साइंस में। साइंस मतलब क्या हो गया? विज्ञान। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स। अब आप देखेंगे यूनिट 7 का जो पहली हेडिंग है, वो दिया विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब विज्ञान के मौलिक सिद्धांत मतलब साइंस के मौलिक सिद्धांत, और विज्ञान एक क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है। तो साइंस के जो मौलिक सिद्धांत है, आप यूनिट 7 में जाके जरूर देखिएगा, वहां लिखा है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांत। तो आप कहीं ना कहीं मेंस में यदि पहली 3 यूनिट पढ़ लेते हैं, तो आपकी यूनिट 7 के पहली हेडिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने विज्ञान के मौलिक सिद्धांत को पढ़ लिए। क्योंकि बिना विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के पढ़े आप फिजिक्स की पहली यूनिट को कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो आइए अब अपन यूनिट 1 फिजिक्स को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें कार्य बल एवं ऊर्जा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। तो अब देखिए, कार्य बल और ऊर्जा तीनों में संबंध है। कैसे? कार्य का अर्थ क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया और वो वस्तु खिसक गई या अपनी जगह से हिल गई, तो उसे कार्य कहते हैं। यदि वो अपनी जगह से नहीं हिली तो उसे कार्य नहीं मानेंगे। तो कार्य लगाने के लिए देखिए बल की जरूरत पड़ी, क्योंकि W इक्वल टू FD कॉस थीटा। आप डरिएगा नहीं, ये सब विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हमने इसकी फिजिक्स की 3 लेक्चर बना चुके हैं। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं नीचे लगा दूंगा। और मैं सिर्फ आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जाके देखिए, आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट कीजिए। नहीं पसंद आए तो हमारी गलती हमें बताइए, ताकि हम सुधार कर सके। कोई जोर जबरदस्ती आपसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके कोई चीज काम आ सकती है, आप कुछ सीख सकते हैं, तो उसको जरूर देखना चाहिए और एक चांस सबको देना चाहिए। तो अब देखिए, कार्य बल और ऊर्जा। अब आपको मालूम है कि जैसे कार्य क्या कहते हैं, जैसे किसान खेती करता है वो एक कार्य है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है वो एक कार्य है। और कार्य करने के लिए आपको मालूम है ऊर्जा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मनुष्य को पूरे दिन काम करना है तो उसको खाना भोजन चाहिए और वो उसको ऊर्जा देता है। यदि गाड़ी को चलना है तो उसको ईंधन चाहिए, ईंधन जलता है तो गाड़ी को ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे अपन कार्य बल और ऊर्जा पढ़ेंगे। अब देखिए, बल में क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यदि एक ये टेबल है और इसको खिसकाने के लिए बल लगाना है F, तो ये खिसकेगा।
इसी तरीके से आपको मालूम है कि जो पृथ्वी है हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, मतलब अपनी ओर खींच रही है, मतलब अपनी ओर बल लगा रही है, उसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि F इक्वल टू G m1 m2 / r² होता है। सब अपन आगे विस्तार से देखेंगे। अब देखिए घर्षण, तो घर्षण क्या होता है, घर्षण भी एक बल है। आपको जब डेफिनेशन लिखने को आए तो आपको लिखना है घर्षण एक बल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मनुष्य यदि इस धरती पर चलने की कोशिश करता है या सड़क पे, तो इसके अपोजिट एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। वायुमंडली दबाव क्या है, जैसे ये पृथ्वी और इसके चारों ओर वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे धूल धूल के कण हैं जलवाष्प में, तो ये सब जब जो बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, वायुमंडली दबाव कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर मतलब दबाव होता है, और जब वायुमंडल दबाव लगाए तो उसे वायुमंडली दबाव कहते हैं। और कार, मैंने आपको बता दिया, कार भी तीन प्रकार का होता है, नकारात्मक, सॉरी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कार। ये सब मैंने विस्तार से पढ़ाया, आप चाहे तो मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, काल बल ऊर्जा, तार बल ऊर्जा के आगे क्या दिया हुआ है। तो अब देखिए इकाइयां और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण, दोस्तों इकाइयां और माप दैनिक जीवन के उदाहरण। अब इकाइयां और माप का क्या मतलब होता है, तो जैसे आपको मालूम होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी लेने के लिए गए, तो आपने बोला 2 किलो आलू दे दो, तो ये जो 2 kg है ये क्या है, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इकाई माप है। कि किसने डिसाइड करी, तो बहुत सारे विशेषज्ञ विद्वान बैठ गए, वैज्ञानिक, और उन्होंने डिसाइड करी, इसे ऐसा यूनिट भी नाम दिया जाता है। ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। आगे तो ये इकाइयां और माप दैनिक जीवन के उदाहरण, जैसे आपकी लंबाई पूछते हैं तो आप फीट में बताते ना, तो किसने डिसाइड किया ये फीट में बताना, ये सब ऐसा यूनिट है और ये इकाइयां और माप के अंतर्गत आता है। फिर अपन दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। अब फिर अपन गति देखेंगे, गति मतलब क्या होता है, स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये देखेंगे अपन। वेग देखेंगे और त्वरण देखेंगे। अब जैसे आपको मालूम होगा जो स्पीड है, गति, वो एक अदिश राशि है, जबकि वेग और त्वरण क्या है, सदिश राशि है। अब अदिश सदिश क्या होता है ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। वेग, जैसे आपको मालूम होगा कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वहां से जाएगा तो वो वेग कहलाएगा। ये सरल शब्दों में बताया, आपको और विस्तार से बताया जाएगा। त्वरण मतलब एक्सिलरेशन होता है, dv/dt, dv/dt, v क्या है, तो v एक तरीके से वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, एक्सिलरेशन कहलाता है। त्वरण एक तरीके से आपने देखा गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, कॉन्सेप्ट छोटा जी, जिसकी मदद से क्या होता है, पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है और हर सेकंड उसके गति में परिवर्तन आता है, और गति में वेग में परिवर्तन आता है, और उसी वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। इसलिए गुरुत्व के कारण हुआ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। फिर अपन आगे देखेंगे ध्वनि, ध्वनि ध्वनि मतलब साउंड। अब साउंड की परिभाषा देखेंगे, प्रसार का माध्यम, जैसे आपको मालूम होगा सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज गति से ध्वनि चलती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। श्रव्य और अश्रव्य देखेंगे, श्रव्य जो सुनी जा सकती हो, अश्रव्य जो सुनी ना जाती हो, कितने हर्ट्स के नीचे श्रव्य कहलाती है, कितने हर्ट्स के ऊपर अश्रव्य कहलाती है, इस टाइप की चीजों पर बात करेंगे। शोर, अब आपको मालूम है, और संगीत, आपने देखा है कि आप बहुत गाने सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर के गाने सुनते हैं, तो आपको वो संगीत महसूस होता है क्योंकि उसमें एक लयात्मकता होती है। लेकिन शोर, यदि आपको मालूम है कि कोई फैक्ट्री के बाहर चले जाए या आपके घर में कोई लगातार हथौड़े से ठोक रहा है, तो वो संगीत नहीं होता, वो शोर होता है। शोर और संगीत में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आगे बताया जाएगा आपको। फिर ध्वनि से संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति, तो ये सब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे आपको मालूम है एक वेव इस तरीके से चलती है, तो अपनी माध्य से कितना कर रही है तो एम्पलीट्यूड कहलाता है ना। पर यूनिट टाइम में यदि कितनी गति, कितनी सारी तरंगें निकल रही है, टाइप की चीजें, फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज, इन सब पे बात की जाएगी। फिर विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आप मालूम होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सेल देखेंगे, परिपथ देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसके माध्यम से चलती है, बहुत सारे सर्किट्स के माध्यम से, सेल के माध्यम से, वो सब देखेंगे। चुंबक, आपको मालूम होगा कि जहां से विद्युत निकलती है वहां एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है उसके परपेंडिकुलर, और जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो अपन चुंबक के गुण देखेंगे, कृत्रिम चुंबक कैसे बनाई जाती है और उसके उपयोग देखेंगे। आप यदि देखेंगे तो मेंस में आप देखेंगे सीधे सीधे हेडिंग से क्वेश्चन आ जाता है आपसे। मान लीजिए 6 6 मार्कर में कार पूछ लेगा, तो अब आपको कार में क्या करना है, तो मैं आपको देखिए बताता हूँ। पहले आपको एक परिभाषा लिख देनी है, एक पॉइंट, दूसरा उसका मात्रक लिख देना है, मात्रक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, तीसरा उसका उदाहरण लिख देना है, चौथा उसके प्रकार लिख देना है, और पांचवा एक आपको सूत्र लिख के अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए कार से रिलेटेड, यही आपको 3 मार्कर में पूछ लेगा, तो कोई 3 या 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको यदि सिलेबस को समझ के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपको मेरे हिसाब से मेंस की हर हेडिंग के नोट्स बना लेने चाहिए, 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर, इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। आप नहीं बनाएंगे तो हम आपको बनवा के दे देंगे, बस आप लेक्चर देखिए और रिविजन कीजिए।
अब देखिए प्रकाश, तो प्रकाश में परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, दर्पण और लेंस क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रेक्शन क्या होता है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि एक तालाब में एक सिक्का डला है, वो ऊपर उठा दिखाई दिखता है देता है, किस कारण से? तो वो रिफ्रेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ जाएगा, है ना। आपसे दर्पण और लेंस के बारे में पूछ लेंगे, प्रतिबिंब पूछ लेंगे। आपको मालूम होगा कि आपने प्रतिबिंब के बहुत सारे क्या होंगे, वो पढ़े होंगे स्टेप्स। जैसे आपको मालूम है यदि फोकस पे कोई चीज रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। कॉनकेव लेंस है तो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा बनेगा। तो ये सब प्रीलिम्स में हो जाएगा। और आपको 6 मार्कर में आ जाए तो इन्हीं के 6 पॉइंट आपको लिखने हैं दोस्तों। फिर ऊष्मा हीट, है ना, ऊष्मा हीट, ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, है ना। तो ऊष्मा को मापने की जो उपकरण होता है वो थर्मामीटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ताप कैसे मापा जाता है, ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं हेडफोन में मैंने बोला, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला तो साउंड थी, और वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई, है ना, वायर के माध्यम से पहुंच गई। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। लाउड स्पीकर में बोला तो किस तरीके से कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैंडल आप जलाते हैं तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस टाइप की चीजों को अपन देखेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली इकाई की सब कंप्लीट होती है दोस्तों। अब दूसरी इकाई क्या है, तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में आप सब तत्व, यौगिक और मिश्रण देखेंगे, तत्व की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा, मिश्रण की परिभाषा देखेंगे, रासायनिक प्रतीक देखेंगे, गुण देखेंगे, पृथ्वी पर इनकी उपलब्धता देखेंगे। जैसे आपकी पृथ्वी, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, जैसे N2 गैस पाई जाती है वायुमंडल में, इस टाइप की चीजें देखेंगे। पदार्थ की डेफिनेशन देखेंगे, धातु और अधातु। तो आपको मालूम है मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, धातु अधातु में अंतर बताइए। तो धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इसको समझेंगे। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, मूसले मूसले का पीरियोडिक टेबल देखेंगे, आवर्तता देखेंगे। फिर अपन परमाणु देखेंगे, आपको मालूम होगा कि किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। फिर परमाणु की संरचना देखेंगे, संयोजकता देखेंगे, बंध देखेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इस तरीके की चीजों पे डिस्कस करेंगे। परमाणु संलयन और विखंडन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि संलयन से ऊर्जा बनाई जाती, परमाणु संलयन करवा के कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा बना के अपन पूरे भारत को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। विखंडन के माध्यम से बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, इन्हीं से कहीं ना कहीं परमाणु बम, एटम बम, इस टाइप की चीजें का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर अपन अम्ल, एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण देखेंगे। पीएच, आपको मालूम होगा कि पीएच क्या होता है, पीएच की को पूछ लेंगे, किसी कॉन्सेंट्रेशन का पीएच कितना है। जैसे आपको पता है ब्लड का पूछ लिया जाता है, ब्लड का 7.4 है, तो ब्लड एक तरीके का क्षारी है, इस टाइप की चीजों पे बात करेंगे, है ना। फिर मान, पीएच मान हो जाएगा, सूचक हो जाएगा, मान सूचक, इन सब पे चर्चा करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस। जैसे आपको मालूम है कि ये पत्थर है, मैं इस पे हथौड़ा लेके मारू तो फिजिकल तरीके का चेंज है, लेकिन यही पत्थर है बरसात में इसमें नमी लग लग के और ये इसका क्षरण हो जाए तो कैसा हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दैनिक जीवन में रसायन देखेंगे, मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि दूध से दही किस तरीके से बन जाता है, इस टाइप की चीजों पर बात की जाएगी। तो दैनिक जीवन में रसायन कैसे, जैसे जंग लगती है तो वो भी दैनिक जीवन में रसायन का उदाहरण है। तो किसी चीज को जंग से कैसे बचाया जाता है, उसकी प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस टाइप की चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। फिर इकाई 3 आ जाएगी बायोलॉजी। क्या आ जाएगी? बायोलॉजी। इसमें अपन सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपघटनकर्ता पे बात करेंगे, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बात करेंगे। जैसे सिक्किम 1000 बार पूछ लिया कि पहला राज्य है जो जैविक कृषि में आगे बढ़ा है, अग्रणी रहा है। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर और उसके कार्य, जैसे आपको मालूम होगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अपन सब जो भी है वो कहीं ना कहीं एक सेल से बने हुए हैं, अपने अंदर अपने एक अंग में मिलियन ट्रिलियन में कोशिकाएं हैं, और ऐसे अपने अंदर कितनी सारी कोशिकाएं हैं। तो अपने बनने की, जैसे एक मकान के बनने की सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, ऐसे अपने बनने की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। तो सेल की बात करेंगे, साइटोलॉजी की बात करेंगे, है ना, बहुत सारी अन्य चीजों को देखेंगे, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, है ना, इस टाइप की चीजें देखेंगे। जंतु और पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर पौधों, पशु और मनुष्य में पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को खाना। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल अपने पोषण का ध्यान रखते होंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखते होंगे, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते होंगे, तो प्रोटीन एक तरीके का पोषण ही है। फिर संतुलित आहार की बात करेंगे। संतुलित आहार का मतलब ना बहुत खा के, ना बहुत कम खा के दुबले रह जाना, ना बहुत खा के मोटे हो जाना, संतुलित आहार करना, फिट रहना, स्वस्थ रहना। विटामिन पे बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कई बार पूछा जा चुका है। हीनता जन्य रोग पे बात करेंगे और हार्मोन्स पे बात की जाएगी।
मानव शरीर के अंग पे बात होगी, संरचना पे और कार्य प्रणाली पे बात की जाएगी। जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन बात करेंगे, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, इनटेक आउटटेक समझेंगे, है ना। जीवों में श्वसन में और चीजें देखेंगे कि कितने एटीपी ऊर्जा निकलती है, कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरोलिसिस होता है, इस टाइप की चीजों पर बात की जाएगी। पशुओं और पौधों में परिसंचरण और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मालूम है, जैसे आपको मालूम है कि आपको बंबई से दिल्ली जाना है तो आप सड़क से, एरोप्लेन से जा सकते हैं। इसी तरीके से अपने शरीर में यदि खाने को एक जगह से दूसरे जाना है तो किसके माध्यम से जाता है, ब्लड, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे बात की जाएगी। इस टाइप की चीजें देखेंगे। पशु और पौधों में प्रजनन देखेंगे कि अपने ही जैसे जीवों को जन्म कैसे देते हैं पशु और पौधे, उनकी बात की जाएगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियों पर भी चर्चा की जाएगी। बीमारियों पर बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव भी और मेंस में भी, जैसे आपसे पूछ लेता है कि प्रोटीन की कमी से क्वासीरोल्कर टाइप की बीमारियां होती है, क्या है, इस टाइप की चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मेंस की शुरू की 3 यूनिट कैसे रिलेटेड हो गई साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसे ही अपन ने क्या किया, विज्ञान, और उसी विज्ञान को कहते हैं सैद्धांतिक पक्ष। अब आपने रॉकेट बनाना समझ लिया, आपने जीव बनाना समझ लिया, और आपने जैसे कोई चीज बॉडी के अंदर कोई चीज कैसे सुधारी जाती है, कोई बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, अब यही जब पढ़ के डॉक्टर जो है जाके बीमारी का इलाज कर लेते हैं तो वो एक तरीके से तकनीक का इजाद कर देते हैं। जैसे आपको अभी पता होगा हाल ही में चर्चा में चल रही क्रिस्पर-कैस-9, क्रिस्पर-कैस-9 जिसके लिए नोबेल भी मिला है ना। तो ये क्रिस्पर-कैस-9 जो कैंची बनाई, एक तरीके की आणविक कैंची है, तो ये बायोलॉजी को पढ़ने के बाद बनाई गई है। तो बायोलॉजी को पढ़ा मतलब विज्ञान को अर्जित किया, ज्ञान को अर्जित किया, और जब इस टाइप की कैंची बना दी तो वो तकनीक कहलाती है जो मानव के संवर्धन का कार्य करती है। तो मैंने आपको विज्ञान और तकनीक का अर्थ भी बताया, और पहली 3 यूनिट साइंस से रिलेटेड है ये भी आपको बताई, जिसमें आप ज्ञान को अर्जित करेंगे। लेकिन अपने को छोटे लेवल पर अर्जित करना है, जो डॉक्टरी करते हैं, है ना, जो फिजिक्स की फील्ड में कार्य करते हैं, तो वो और ज्यादा ज्ञान को अर्जित करते हैं, रॉकेट बनाते हैं, आणविक कैंची बनाते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, इस टाइप की चीजें करते हैं। अपन को बेसिक साइंस पढ़ना है, इतना साइंस पढ़ना है कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो सुबह जब आप पेपर में देखते हैं कि रॉकेट, इसरो ने एक रॉकेट के माध्यम से रॉकेट को लॉन्च किया, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको पेपर देखने का नजरिया ये होना चाहिए, आपका आम आदमी से पेपर देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको जाके अधिकारी बनना है, देश की सेवा करनी है, समाज का विकास करना है और लोगों का उत्थान करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पेपर देखना चाहिए, और करंट अफेयर को आपको, यदि सिलेबस आपको थोरली पता होगा तो आप आसानी से इसमें क्या होगा, करंट अफेयर को जोड़ पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते जाए। आप देखिए यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई 4, और क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है एक तरीके से विद्युत 0-1 पे कार्य करता है, विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पे कार्य करता है। अब आगे और भी क्वांटम कंप्यूटर आने लगे हैं, वो जो क्यूबिट पे कार्य करते हैं। एक परीक्षा का क्वेश्चन ही था कि क्वांटम कंप्यूटर जो है किस बिट पे कार्य करते हैं, उसमें ए ऑप्शन था बाइट्स, बी था क्यूबिट, तो क्यूबिट उसका उत्तर था। तो इस टाइप की चीजें क्या हुई, तो अपन ने जब फिजिक्स पढ़ा और उसको अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का इजाद किया, और इसी को तकनीक कहा जाता है। आज IoT का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सब कैसे संभव हुआ, ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य विषयों को पढ़ने के बाद ही संभव हुआ। और जब पढ़ाई की तो वो कहलाया ज्ञान, और जब विज्ञान, जब उसको अप्लाइड कर दिया, IoT बना दिया, तो वो क्या कहलाया, तकनीक कहलाया दोस्तों। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल सब एक तकनीक है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे विज्ञान के सिद्धांत कार्य करते हैं जिसको लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद इन चीजों को इजाद किया है। अब यूनिट 4 में देखिए कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, इस टाइप के कंप्यूटर पढ़ेंगे, है ना। फिर विशेषताएं देखेंगे कंप्यूटर की, है ना, कंप्यूटर के प्रकार, उनकी विशेषता, और जनरेशन देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, सेकंड का कैसा था, थर्ड का कैसा था, इंटरनेट कब आया, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, फिफ्थ का कैसा होगा, इस टाइप की चीजों पे बात की जाएगी। मेमोरी पे बात करेंगे, आपको मालूम होगा जैसे ब्रेन में भी मेमोरी होती है याद रखने के लिए, ऐसे कंप्यूटर का जो ब्रेन मेमोरी होती है वो कितने GB की है। आपसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है, आपके लैपटॉप की मेमोरी कितनी है, मेमोरी मतलब वो कितना याद रख सकता है, मतलब उसमें कितना स्टोर किया जा सकता है। जैसे कई बार मेमोरी में बोलता है स्टोरेज फुल, तो आप चीजों को डिलीट करते हैं ना, तो उसकी मेमोरी में क्या जगह बना रहे होते हैं, वो मेमोरी होती है जहाँ पे चीजों को याद रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे हजार बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जैसे आपको मालूम है जिस भी चीज के माध्यम से कंप्यूटर में कोई चीज डाली जाए, इनपुट दिया जाए, तो इनपुट, और जब कंप्यूटर का जैसे मॉनिटर है, जैसे मॉनिटर ने आपको कोई चीज प्रोसेस करके दिखाया, तो मॉनिटर एक तरीके से क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगे। जैसे पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, CD DVD ये सब स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर, जैसे आपको मालूम है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कई लोगों का विंडोज होगा, विंडोज 7, विंडोज 8, और अब तो विंडोज 10 आ गया है,
तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारी कोडिंग करके उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हार्डवेयर, जैसे प्रिंटर एक हार्डवेयर हो जाएगा, कीबोर्ड एक हार्डवेयर हो जाएगा, इन पे बात की जाएगी, है ना दोस्तों। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, इस टाइप की चीजों पे बात की जाएगी। कंप्यूटर की भाषा है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0-1 में कंप्यूटर बात करता है, जैसे आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है, 0 और 1। कंपाइलर क्या होता है, तो देखिए कंपाइलर एक तरीके से क्या होता है, जैसे एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब विस्तार से बताया जाएगा। तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसको कंपाइल किया, तो उसमें यदि कोई गलती होगी तो कंपाइलर बता देता है, एरर दे देता है, नहीं तो कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट करके उस प्रोग्राम को क्या कर देता है, रन कर देता है। और आपकी जो इच्छा होती है उस प्रोग्राम को, जैसे मैंने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया और 2 वैल्यू को ऐड कराया, तो मुझे 2 + 4 = 6 कंपाइलर कंपाइल करके बता देगा। लेकिन मान लीजिए कोई एरर आ रही होगी तो वो भी कंपाइलर मुझे बता देगा। अपन विस्तार से कंपाइलर पे बात करेंगे, ट्रांसलेटर पे बात करेंगे जो ट्रांसलेट कर दे, इंटरप्रेटर पे बात करेंगे जो इंटरप्रेट करे, और असेंबलर पे बात करेंगे जो असेंबल करे। इंटरनेट पे बात होगी कि इंटरनेट का इतिहास कैसा, कैसे विकास हुआ, है ना, इस तरीके की। ईमेल पे बात होगी, सोशल मीडिया पे बात होगी, ई गवर्नेंस। आज पता है आपको, यदि पारदर्शिता लाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ई गवर्नेंस सबसे बड़ी चीज है। विभिन्न उपयोगी पोर्टल पे बात करेंगे, साइट पे और वेब पेजेस पे बात की जाएगी, जैसे सरकार के विभिन्न पोर्टल चल रहे हैं उन पे बात की जाएगी, बहुत सारी साइटों पे बात की जाएगी और वेब पेजेस पे बात की जाएगी। जैसे आप इंटरनेट खोलते हैं, आपको गूगल का जो पेज दिखता है उसको वेब पेज कहा जाता है। फिर इकाई 5 मैथ से रिलेटेड है, इसमें अपन संख्या और उनके प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात और समानुपात देखेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस पे बात की जाएगी, परसेंटेज पे बात की जाएगी, है ना। इस तरीके से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबको देखेंगे, सूत्र के माध्यम से देखेंगे, कई प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, इसमें प्रयोक्ता मतलब प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका, मीन, मीडियन, मोड, है ना, इस टाइप की चीजें, बहुलक एवं विचार विचरणशीलता की माप और पारदर्श के प्रकार, इन सब पर विस्तार से बात की जाएगी दोस्तों। अब देखिए यूनिट 6 क्या है, तो अब ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब देखिए मैंने आपको बताया विज्ञान, और आपके पेपर का नाम ही है विज्ञान और तकनीक, विज्ञान और तकनीक। तो विज्ञान में आपने ज्ञान को अर्जित किया और तकनीक बना दी। अब आपको मालूम है कि क्रिस्पर कैस9 एक तरीके से क्या है, क्रिस्पर कैस9 बायोलॉजी को पढ़ाई करके बनाई गई एक आणविक कैची है, और जो एक तकनीक है, और उसी तकनीक के माध्यम से क्या हो रहा है, मानव के स्वास्थ्य का संवर्धन हो रहा है। इसलिए देखिए इकाई 7 में स्वास्थ्य को रखा गया है कि संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम, और रोकथाम के लिए क्या लगेगी, तकनीक, और तकनीक कैसे बनाई जाएगी, विज्ञान को अर्जित करके। इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पे बात होगी। आयुष चिकित्सा पद्धति, जैसे आयुर्वेद क्या होता है, योग क्या होता है, यूनानी क्या होता है, सिद्धा, होम्योपैथी, चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी पे बात की जाएगी। आपको सिर्फ आपके पेपर में ये लिखा है सिलेबस में, सामान्य सामान्य समझ होना चाहिए। सामान्य समझ मतलब आपसे रॉकेट बनवाएगा नहीं, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तरीके से आपको इन सब की सामान्य समझ होनी चाहिए। आपको 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर लिखते आना चाहिए यदि आपको पास होना है इस परीक्षा को। तो फिर दोस्तों अब जैसे आपको पता भी कोरोना आया तो आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, तो इस टाइप की चीज जब आपने पेपर में आयुर्वेद पढ़ा तो वो चाहते हैं कि आपको आयुर्वेद आम जनता से अलग पता हो, क्योंकि आपको जाके क्या बनना है, एक अधिकारी बनना है, तो आपके पेपर पढ़ने का नजरिया अलग होना चाहिए। सॉरी, केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजना देखेंगे। आयुष्मान भारत योजना पे क्वेश्चन पीएससी वैसे ही पूछ चुका है। केंद्र और राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन देखेंगे, अपने जो जैसे आईसीएमआर आपको पता होगा बहुत बड़ा संस्थान है, इन सब पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए आ गई इकाई 7। अब आप देखेंगे आपके प्रीलिम्स में एक यूनिट दी हुई है इकाई 9, इकाई 9 भी है, इकाई 9 प्रीलिम्स की 9, उसमें आप देखेंगे रोबोटिक्स की बात हुई है, तो वो कहीं ना कहीं किसी यूनिट इकाई 7 के अंतर्गत ही आता है। और आपने इकाई 7 तैयार कर ली तो आपका प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब आइए I7 पे देखते हैं, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमा। आपको जैसे पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं आजकल घड़े मतलब मिट्टी के रेफ्रिजरेटर बना देते हैं, तो वो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है कि अपने देश के नागरिक ने अपने घर में रहते हुए एक मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बना दिया। लेकिन हर चीज की कुछ सीमाएं होती हैं, वो पढ़ी जाएंगी। मानव जीवन पर विकास के प्रभाव मतलब आज जो नई नई तकनीकें ईजाद हो रही है वो मानव को कैसे प्रभावित कर रही है, उनकी बात की जाएगी। रिमोट सेंसिंग का इतिहास देखेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या है, एक तरीके से आप समझ लीजिए आपने ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक उपग्रह भेजा और वो क्या कर रहा है, रेडिएशन रेज भेज के इसको सेंस कर रहा है, उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। रेज भेजता है गामा अल्फा और ये टकरा के वापस आती है और सेंस करके जानकारी देता है, तो उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो आप रिमोट सेंसिंग में भारत ने बहुत सारे
कीर्तिमान रचे हैं, तो भारत में रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग का इतिहास पढ़ेंगे। अब देखिए ये सारे काम जो है तकनीक से रिलेटेड कौन करते हैं, उन संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, इसरो, इसरो की कब स्थापना हुई, इसरो के क्या कार्य है, इसरो की कौन कौन सी लेबोरेटरी है देश में कहाँ कहाँ स्थापित है, इसरो के और कुछ अन्य अच्छे कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, गगनयान के बारे में, मंगलयान के बारे में, सबके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आरआर कैट, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जो इंदौर में, उसके बारे में, सतीश धवन के बारे में, हरि श्री हरिकोटा के बारे में, रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ की स्थापना के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनकी लेबोरेटरी के बारे में, उनके कीर्तिमान के बारे में, ड्रोन के बारे में, अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, इस टाइप से बार्क के बारे में, TIFR, NARL है ना, LPSC, SAC, IDSN, ISSBC, VSSC और IIST और NRSC, इन सब संस्थान के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ये संस्थान आप देखेंगे रोज कभी ना कभी पेपर में, खबरों में रहते हैं, और जो खबरों में रहते हैं उनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कल सुबह उठे और आपने देखा कि इसरो ने एक रॉकेट छोड़ दिया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए हमारे पेपर 3 की यूनिट 7 में इसरो लिखा है, तो हम इसरो को फिर जाके पूरा उसका स्टैटिक तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आपके परीक्षा निकलने की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। दोस्तों आप देखिए भूस्थिर उपग्रह पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप जैसे आपसे बार बार एक पूछ रहा है नाविक, नाविक जो अपना खुद का क्या है नेविगेशन उपग्रह है, नाविक में कितनी सैटेलाइट लगी है, कितनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगी है, और कितनी जो भूस्थिर उपग्रह में लगी है, और कितनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगी, इस टाइप की चीजें, जियो स्टैटिक, जियो स्टेशनरी है ना, जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस सन, सिंक्रोनस ऑर्बिट, इस टाइप की चीजों पर चर्चा की जाएगी। प्रक्षेपण यान की पीढ़ी, जैसे आपको मालूम होगा फर्स्ट, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन होती है ऐसी प्रक्षेपण यान की जनरेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन है ना, जैसे GSLV MK2, GSLV MK3 है ना, SLV ASLV, इस टाइप की चीजों पे बात की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा में उपयोग बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे बहुत सारी आजकल प्रौद्योगिकी चलती है बायोटेक्नोलॉजी की, स्टेम सेल, उस पर बात करेंगे। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, पशुपालन में, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पर बात की जाएगी। क्लोन्स पे बात करेंगे, रोबोट्स पे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे। आप देखेंगे आपके प्रीलिम्स की यूनिट 8 या 9 पे एज इट इज हेडिंग दी गई है, बौद्धिक संपदा के अधिकार और पेटेंट पे, ट्रिप्स और ट्रिम्स पे 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। यदि आपको ये हेडिंग पता रहेगी तो आप इन शब्द के माध्यम से भी कई उत्तर लिख पाएंगे, जो आपकी सफलता की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आप मेरा ये वीडियो किसी भी जानकार आदमी को दिखाएंगे तो वो आपको बताएगा कि इस वीडियो की कितनी अहमियत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, कि भारतीय जैसे इसरो ने कितना योगदान दिया है ना, या व्यक्ति की बात करें तो सीवी रमन साहब जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनने क्या खोज की थी, फिजिक्स के क्षेत्र में क्या खोज की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हरगोविंद खुरारा साहब ने बायोलॉजी या डीएनए के क्षेत्र में क्या खोज की थी वो देखेंगे। जगदीश चंद्र बसु साहब का देखेंगे, भाभा जी की देखेंगे, एम विश्वेश्वरैया की देखेंगे, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, श्रीनिवास रामानुजन की देखेंगे है ना, विक्रम साराभाई, आपको मालूम होगा अभी हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई थी उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तो कौन नहीं जानता है ना, इतने बेहतरीन रॉकेट मैन भी बोले जाते हैं, मिसाइल सॉरी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अपने आगे राष्ट्रपति रहे। एस एन बोस के बारे में बात होगी, राजा रमन्ना, अभी देखा था आरआर कैट संस्थान इन्हीं के नाम पर रखा गया, और प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में बात करेंगे कि इनकी खोज क्या है, इनकी खोज की इतनी अहमियत क्या है, किसको नोबल मिला है, किस क्षेत्र में नोबल मिला है, कब नोबल मिला है, इनके क्या क्या कार्य है, सब पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे 1000 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये वाला पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये वाला पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर इकाई 8 में आ जाएंगे अपन, ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक पे बात करेंगे, पारंपरिक का अर्थ क्या होता है, गैर का क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण देखेंगे। जैसे आपको मालूम होगा गैर पारंपरिक में सोलर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, ये तो अब आने वाले समय की ऊर्जा है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इन्हीं का जमाना रहेगा। सोलर ऊर्जा में भारत ने आईएसए स्थापित किया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पारंपरिक में कोयले के बारे में बात कर लेंगे, कोयले का क्षरण क्यों हो रहा है, कोयला कैसे प्रदूषण पहुंचाता है, ये सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। फिर अंतर पे बात करेंगे, दोनों के बीच क्या अंतर है। ऊर्जा दक्षता, आपको मालूम होगा कि हाल ही में कॉन्सेप्ट चल रहा है ऊर्जा दक्षता का, कि कैसे अपन कम से कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा चीजें चला लें, या कम से कम ऊर्जा का क्या करें, क्षरण करें, क्योंकि ऊर्जा मिलती कोयले से, कोयला जलता उससे प्रदूषण होता है, तो अपने को कोशिश करनी कि कम से कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल लेना, इसे ऊर्जा दक्षता कहते हैं। उसी कम से कम में ज्यादा से ज्यादा निकालने के प्रबंधन को ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। संगठनात्मक एकीकरण देखेंगे, परिचालन देखेंगे, कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन, ऊर्जा का कैसे क्रय होता है,
उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन की ऊर्जा की कौन कौन सी योजना चल रही है, उसको नियंत्रण और रखरखाव आदि सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां देखेंगे कि आज अपन जैसे भारत है तो भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है, लेकिन अपन ने कार्बन न्यूट्रल होना मतलब कोयला अपन नहीं जलाएंगे या कम से कम जलाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि भारत बिना कोयले के ऊर्जा कैसे पैदा करेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक मुद्दा और चुनौती हो जाएगा, इसके निराकरण के उपाय देखेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, यदि भारत को कोयले से ऊर्जा हटा के किसी नई चीज से ऊर्जा बनानी तो उसके क्या वैकल्पिक स्रोत है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, NHM, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, वो एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो ये सारी की चर्चा की जाएगी। वैकल्पिक स्रोत में आज का परिदृश्य, भविष्य की संभावनाएं, देखिए आ गया सौर ऊर्जा पे बात की जाएगी, पवन ऊर्जा पर, महासागरीय ऊर्जा पर, भूतापी ऊर्जा पर, बायोमास ऊर्जा पर और जीव ईंधन, इन सब पे बात की जाएगी क्योंकि ये आने वाले समय की ऊर्जा है। और आपको मालूम होगा हाल ही में PSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पवन ऊर्जा लगाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहाँ है, तो आपको मालूम होगा कि पवन ऊर्जा लगाने की सबसे ज्यादा संभावना तट पे होती है क्योंकि वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, क्योंकि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं टरबाइन हमेशा घूमती रहेगी और आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। फिर आ जाएगा यूनिट 9। यूनिट 9 का ऐसे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, और हमने पर्यावरण की यूनिट 9 का ये पूरा पहला टॉपिक कवर करा दिया है। मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। आप देखिए, जाके देखिए, आपको पसंद आए तो हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आए तो हमें हमारी गलती बना दीजिए ताकि हम सुधार करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके दोस्तों। और जरूरतमंद छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अब देखिए, पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र और आयाम। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि सजीव जिनमें जीवन होता है, लेकिन ये तो सिंपल भाषा में सजीव के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं जो बायोलॉजी में बताए जाते हैं, जो सभी को मालूम होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछे सजीव कौन होता है, तो उसके 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। पहला, वो उपापचय कर सकता है, दूसरा, वो प्रजनन कर सकता है, और तीसरा, वो क्या कर सकता है, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कैसी देता है। जैसे आपको ठंडी लगती है तो आप कपकपाते हैं, गर्मी लगती है तो पसीना आता है, जैसे मुझे अभी आ रहा है, तो इस टाइप की चीजें क्या होती हैं, सजीव के लक्षण होते हैं, है ना। तो प्रजनन, उपापचय और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, वातावरण के प्रति अनुक्रियाशीलता दोस्तों। तो ये सब पे मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, और आप देखिए और उसको जरूर बताइए कि उसमें क्या सुधार करना है, या अच्छा है तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो ये मैंने पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र और आयाम, आयाम में मैंने भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक सब करा दिए। भारतीय संदर्भ में मैंने पर्यावरण की अवधारणा बताई कि अपन कैसे हड़प्पा काल से आज तक सकारात्मक रहे, अपन ने हमेशा पर्यावरण को पूजा है, और आधुनिक विश्व में पर्यावरण की कैसी अवधारणा है, वो नकारात्मक रहे, उन्होंने औद्योगिक क्रांति करके कहीं ना कहीं आज पर्यावरण को प्रदूषित करके ऐसी स्थिति में ला दिया जहाँ मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है या कई जीवों को विलुप्ति की कगार पर आ गए। इस सब पे मैंने पहली हेडिंग आपको करा दी है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, अब जैसे मानव गतिविधि का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे, जैसे अपन शहरीकरण करते हैं तो अपन वन काट देते हैं, और वन काटने से पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। अपन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो अपन ज्यादा से ज्यादा बिजली की मांग करते हैं, तो उससे कोयला जलता है, तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अन्य जीवों को नुकसान हो रहा है ना। अब पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि मनुष्य समझता है कि पर्यावरण पर उसका हक है, लेकिन अपने को ये समझना चाहिए जैसे अन्य जीव है, हाथी, शेर, इनका भी पर्यावरण पर भरपूर हक है, तो अपना कोई हक नहीं बनता कि उनका हक मारे या उनको विलुप्ति की कगार पर रहे। ये कहती है पर्यावरण नैतिकता और मूल्य। फिर अपन जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पे बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पे भी अल्फा, बीटा, गामा पे बात करेंगे, प्रजाति, पारिस्थितिकी, जैव विविधता पे बात करेंगे, इस टाइप की अन्य चीजों पे बात की जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण पे बात की जाएगी, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषण कितने टाइप के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्य रेडियोधर्मी प्रदूषण, इन सब पे चर्चा की जाएगी, और पर्यावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। पर्यावरण से संबंधित समस्या और चुनौती, जैसे आपको मालूम है, मैंने आपको बता दी कि मनुष्य है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं वनों को काट रहा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे शब्दों को आपको मेंस में यूज करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं TSD की बात करना चाहिए, टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कुछ जीव होते हैं जिनके जो अंडे होते हैं वो एक एक समान तापमान पर ही क्या होते हैं, या तो उनमें फीमेल होता है या मेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यदि अंडा दिया तो एक तापमान, यदि यदि एक जैसा तापमान हो जाएगा तो उनकी पीढ़ी में सिर्फ मेल मेल होंगे, और यदि एक जैसा तापमान हो जाएगा तो उनकी पीढ़ी में सिर्फ फीमेल फीमेल होंगे। तो ये इनसे क्या होगा, उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और वो विलुप्ति की कगार पर आ जाएंगे। इसके लिए TSD शब्द का उपयोग किया जाता है, मैं ये आपको विस्तार से बताऊंगा, ये एक समस्या और चुनौती भी है। फिर ये क्षरण के कारण क्या है, पर्यावरण के क्षरण क्या हो रहा है, इससे क्या प्रभाव होते हैं। जैसे आपको मालूम है ओजोन का यदि क्षरण होगा तो आपको स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो फिर इनके निराकरण के उपाय क्या है, उपाय में भी राष्ट्रीय उपाय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उपाय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उपाय में जैसे पेरिस समझौता, इन सब पे बात करेंगे। राष्ट्रीय उपाय के अंतर्गत भारत ने जैसे चलाया अभी फेम योजना, इन सब पे चर्चा की जाएगी।
फिर पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा मतलब आज हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपन कैसे पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, तो वो सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम चला के बताना चाहिए कि वन काटेंगे तो क्या होगा, कैसे जीवों की विलुप्ति की कगार पे आ जाएंगे, कैसे पर्यावरण प्रदूषित होगा, कैसे ओजोन की घटना होगी, कैसे जलवायु परिवर्तन होगा, इस सब के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए ताकि जल संकट से, इन सब चीजों से बचा जा सके, इसलिए पर्यावरण शिक्षा चैप्टर डाला गया है। पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध मैंने जैसे आपको बता दिया। फिर अब ये सब चीजें हो रही, तो इनसे बचाव कैसे किया जाए, और बचाव का एक ही तरीका है, प्रौद्योगिकी, तकनीक। मानव के विकास का जो रथ है वो आज तकनीक है, मानव को विकास की नई ऊंचाइयों में तकनीक ही लेके जाएगी। जैसे IoT आ गया है, ऐसे आप देख रहे हैं कि स्पेस के क्षेत्र में भारत इतना आगे बढ़ता जा रहा है, उसका कारण तकनीक है। आज 5 मिनट में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है, उसका कारण तकनीक है। तो ये सब तकनीक मानव के विकास का रथ है दोस्तों। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सी प्रौद्योगिकी है, जैसे एग्रीकल्चर में एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब पर्यावरण के अनुकूल है, तो इन पे विचार किया जाएगा। ऊर्जा का संरक्षण पे बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 48, आपके मौलिक कर्तव्य, बहुत सारी जगह ये लिखा गया कि अपन को पर्यावरण के वन तालाब वनों को, तालाबों को, जीवों को, सबको बचाना चाहिए, उनका सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए। इन सब पे बात होगी, और फिर पर्यावरण संरक्षण की नीतियां और ढांचों पे बात होगी। जैसे अपन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर अपन ने वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया, इन सब पे चर्चा की जाएगी। और फिर लास्ट यूनिट आ जाएगी IT-10, जो कहीं ना कहीं भूगोल में भी रखा जा सकता है और पर्यावरण में भी रखी जा सकती है। इसमें भूगर्भ शास्त्र की क्या परिभाषा है, उसका महत्व क्या है, फिर क्रस्ट मेंटल कोर है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब पे बात की जाएगी। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आयु कितनी है, भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय सारणी पे बात होगी। जैसे आपका इतिहास लिखेंगे तो आपकी भी एक एज लिखी जाएगी ना, कि मतलब 0 से आप 50 साल के हो गए, तो आप जब लिखेंगे इतिहास तो उसको भी कई भाग में बांटेंगे कि 0 से 16 में आप क्या करते थे, 16 से 32 में क्या करते थे, और 32 से 50 में क्या करते थे। इसी तरीके से पृथ्वी की भी अपन समय सारणी लिखती कि पृथ्वी पहले कैसी हुआ करती थी, अब कैसी है, और आगे कैसी होने की संभावना है। वैसे तो अपन इतिहास को पीछे कहीं पढ़ते कि पीछे पृथ्वी कैसी कैसी थी, तो उसको कई एजेस में बांटा गया है, वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर शैल चट्टान पे बात करेंगे, रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जैसे अपन रूपांतरित चयन चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, इस टाइप की चीजों पे बात करेंगे, उनके प्रकार पर, जैसे आग्नेय, अवसादी, कायंत्रित, उनमें खनिज अयस्क, पृथ्वी में कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से ओर है, कहाँ से कौन से खनिज ओर मिलते हैं, जीवाश्म क्या होता है, अपक्षय अपरदन क्या होता है, मृदा का निर्माण कैसा होता है, भूमिगत जल, जैसे आजकल जल संकट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो भूमिगत जल पे बात करेंगे, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल और गैस, इन सब पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। और मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करके अपने कई साल को बर्बाद ना कर ले, तो मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें पहुंचाई जाए। तो अब आप देखिए, मैंने पूरा आपको मेंस का सिलेबस बताया, अब मैं आपको देखिए कैसे बताता हूँ कि मेंस और प्रीलिम्स एक ही। जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि जो अपनी जो प्रीलिम्स है और मेंस है, मेंस में आपको पता है शुरू की जो 3 यूनिट है 10 यूनिट में से, वो साइंस से रिलेटेड है, साइंस मतलब विज्ञान। और अब आप देखिए, यहाँ विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कहीं ना कहीं आपके मेंस पढ़ने से अपने आप कवर हो जाएंगे। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, जैसे फिजिक्स में घर्षण बल क्या होता है, एक क्वेश्चन है कि यदि बॉल अपन ने छत से फेंकी तो बॉल नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल आपके मेंस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। ऐसे ही बायोलॉजी में कुछ मौलिक सिद्धांत है, तो बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मौलिक सिद्धांत आपको यहाँ पढ़ने। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धि है, अब भी मैंने आपको दिखाया यूनिट 7, मेंस की यूनिट 7, आप खुद ही जाइए सिलेबस को जोड़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इसरो की बात हो रही है, RR कैट की बात हो रही है, तो वही तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, और उनकी उपलब्धियां रोज पेपर में आती है, तो आपको नोट्स बना लेना चाहिए, या नहीं बनाते तो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सब यूनिट 7 में कवर होगा, ये आपका शुरू की 3 यूनिट में कवर होगा। फिर पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदूषण, ये आपका मेंस की यूनिट 9 में कवर हो जाएगा। पोषण आहार, पोषक तत्व आपके कहीं ना कहीं बायोलॉजी में कवर हो जाएंगे। मानव शरीर संरचना भी बायोलॉजी में आ जाएगी। कृषि उत्पाद तकनीक कहीं ना कहीं एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब आपकी नई नई तकनीकों में कवर हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति आपकी 6ठे चैप्टर के आसपास कवर हो जाएगी। तो देख लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस एक ही है, मैंने आपको डिकोड करके भी बताया, और आपको ऐसे सब सिलेबस की डिकोडिंग करनी है, और हमारी सीरीज इसी पे केंद्रित है, ताकि जो नए विद्यार्थी हो या जो वो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी कहीं सिलेक्शन ना होने में ये एक गलती ना हो दोस्तों। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए, मैं चाहता हूँ आप समझे। आप मेरे को ये मत समझिए कि मैं अपने प्रमोशन या यूट्यूब पे लाइक व्यू या पैसे कमाने के उस पर नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी का भविष्य अच्छे से अच्छा बन जाए, क्योंकि आपकी ये सफलता होगी तो हमारी सफलता तो अपने आप ही हो जाएगी। फिर यूनिट 9 में आप देखिए तो क्या है, ICT है।
आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आपका जो सेवन एट चैप्टर है, क्या सेवन चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसी में इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात हुई है, देखिए आ गया रोबोटिक्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स। आप पीछे जाइए और बिल्कुल देखिए कि आपकी जो यूनिट सेवन है और जो यूनिट नाइन है वो आपकी जो मेंस की 10 यूनिट है उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए मेंस पढ़िए, प्रीलिम्स निकल जाएगा, और प्रीलिम्स आने के 2 महीने पहले मेंस को छोड़ के अपने ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिए, कुछ गलती है कमी है तो बताइए। और इस वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, हमने यूनिट 9 और यूनिट 1 फिजिक्स की थोड़े थोड़े चैप्टर करा दीजिए, आप जाके जरूर देखिएगा, हम उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। चलिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।